हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपसे यूपी रेडियो पुलिस हेड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कि 936 पोस्ट आई हैं, जिसमें कि आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएच ब्रांच से किए हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके समकक्ष कोई भी इक्विवेलेंट भी आप रखें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरे फुल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक स्लैश प्रधान परिचालक यांत्रिकी पदों पर सीधी भर्ती 2022। संख्या पीआर भी आप देख सकते हैं। चलिए पूरे फुल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए गाइस, जिसमें से कि आपकी अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी की पोस्टें आई हैं 379, और आपकी आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं 92, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आई हैं आपकी 252, अनुसूचित जाति की 195, अनुसूचित जनजाति की 18, जिसमें से टोटल पोस्टें आप यहाँ निकल के आई हैं 936। पंजीकरण आरंभ होने की तिथि 20 जनवरी 2022 से चालू हो जाएगी और ये 28 फरवरी 2022 तक चलेगी, जिसकी आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी 2022 रहेगी और आवेदन पत्र सबमिट करने की तिथि भी 28 फरवरी 2022 रहेगी, जिसमें से कि अभ्यर्थी को ₹400 शुल्क देना होगा और आपको यहाँ का भारत का निवासी होना अनिवार्य। राष्ट्रीयता यहाँ की होनी चाहिए आपको। और शैक्षिक अर्हता पे आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, यहाँ कुछ एज क्राइटेरिया दी हुई है, जिसमें से कि आपको अभ्यर्थी ने 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। यूआर कैंडिडेट के लिए जो कि आपको ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन तो इसमें मिलेगा ही, लेकिन आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं कि जो कि 1/7/1994 से 1/7/2002 के बाद का ना हो, यानी कि जिन भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 1/7/1994 से 1/7/2002 के बीच में है यूआर कैटेगरी में तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पे अपनी शारीरिक स्वास्थ्य चेक कर सकते हैं, भर्ती की प्रक्रिया और ऑनलाइन लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है, जिसमें से कि आपको सामान्य हिंदी जो कि 100 मार्क्स की आएगी, विज्ञान या सामान्य ज्ञान 100 अंक की आएगी, संख्यात्मक में मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक की आएगी, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग वगैरह 100 अंक की आएगी, जो कि ये पूरा आपका पेपर 2.5 घंटे में होने वाला है, 150 मिनट होगी। और आप यहाँ पर अपनी हाइट वगैरह देख सकते हैं।